नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे जॉब रिक्वायरमेंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टुडे जॉब रिक्वायरमेंट जॉब या कैंपस प्लेसमेंट के संबंधी आपको जानकारी अपडेट कराता रहता है, तो इस प्रकार की जानकारी आप भविष्य में चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल घंटी जरूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बम्पर वैकेंसी आई है बिहार पुलिस की। इसमें SI सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आपको कुल पोस्ट की बात करते हो लगभग 2500 है पोस्ट इसमें, और टोटल जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो कहीं भी स्किप ना कीजिएगा। चलिए मैं आपको जानकारी बता देता हूँ आज की वैकेंसी की। तो फ्रेंड्स, हम बिहार पुलिस की भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया था 21 तारीख को और अप्लाई आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 22 अगस्त से। तो इसकी आपको कल से स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म भरने की डेट, और इसकी लास्ट डेट आपका 25/9/2019 है, यानी 25 सितंबर 2019 लास्ट पे एग्ज़ाम लास्ट फी आप एग्ज़ाम सॉरी लास्ट फी आप पेड कर सकते हैं 25/9 तक ही, और एडमिट कार्ड आपका नोटिफिकेशन बताया जाएगा। और बात कर लेते हैं आपकी फ़ीस की, तो फ़ी आए जनरल OBC और EWS के लिए 700 रुपये है और ST और SC के लिए 400 रुपये है। आपका किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ डिग्री ऑफ बैचलर, यानी आपका डिग्री से आप पास है तभी इस कैंपस सॉरी इस भर्ती के लिए एलिबल है। यहाँ पे हम आपको एज बता देता हूँ, एज मैक्सिमम आपका एज 20 ईयर होना चाहिए और मिनिमम आपका 37 ईयर होना चाहिए। फिर से मैं एज आपको बता देता हूँ, एज मिनिमम 40 ईयर, यानी इसमें आपको सारा डिटेल मैं बताऊंगा आगे चल की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको डिटेल संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है और सर्जेंट की और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंटल जेल की, यानी तीन वैकेंसी है, तीन पोस्टों पर वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2064 है, सर्जेंट की वैकेंसी की बात करें तो इसमें 215 है, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की इसमें वैकेंसी 125 है और 42 ब्लॉक लोग है, यानी इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 2446 पोस्ट है। और इसमें मेल कैंडिडेट दोनों इस भर्ती में भाग ले सकते हैं और इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और अब आपको बता देते हैं पूरा डिटेल। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। चलिए इसका मैं आपको PDF का लिंक बता देता हूँ और इसमें क्या है आपको टोटल जानकारी बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम इसका PDF डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि इसकी सारी डिटेल। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, इसमें बात करते हैं तो टोटल 2064 पोस्ट है। इसकी वेतन आपको बता रहा हूँ 35,000 से लेके 1,12,400 तक है। और इसमें परिचारी की बात करते हैं तो इसमें लेवल 6 के लिए 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपका मंथली रहेगा, और टोटल वैकेंसी इसमें आपका 215 है। और जेल के लिए आपको बता देता हूँ 2,29,000 से लेकर 92,300 के बीच में आपका वेतन रहेगा। इसमें आपको बता दो पूर्वभूत सैनिक की बात करते हैं तो इसमें 29,200 से लेके 92,300 इसमें भी आपका वेतन रहेगा। 42 टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें है। चलिए आपको चयन प्रक्रिया की बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी। इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है जिसमें आपका 20 गुना रिजल्ट आएगा। बात करते हैं यहाँ पर आपकी दोनों चरण की परीक्षा में आपका टोटल अंक गलत होने पर कटेंगे, 0.2 अंक कटा जाएगा। और एज की बात कर लेते हैं तो एज आपको बता देता हूँ, एज आपका जनरल कोटी के लिए 20 वर्ष से लेकर 27 वर्ष होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए, अनारक्षित के लिए 20 वर्ष से 40 वर्ष है। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के इसमें भी आपका 20 वर्ष से 42 वर्ष है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षण में आपको सभी छूट रूल के अनुसार दिया जाएगा,
ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई इसमें समान जनरल वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और ओबीसी के लिए आपका 160 सेंटीमीटर, इसमें समान पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति यानी महिलाओं के लिए इसमें 155 सेंटीमीटर। इसमें बात करते हैं दोनों महिलाओं के लिए 43 केजी मिनिमम वेट होना चाहिए। और बात करते हैं सीना की, तो सीना में पुरुषों के लिए आपका सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर आपको एडजस्ट करना है फुला के। और यहाँ पे बात करें फुलाने के बाद में कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका अंतर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर इनका भी गैप होना चाहिए। आगे देखते हैं दौड़, दौड़ प्रक्रिया में आपका 1 मील का दौड़ होगा जिसमें आपका 6 मिनट 30 सेकंड टाइम दिया जाएगा। असफल अभ्यर्थी इससे ज़्यादा समय में आप पास होने पर असफल घोषित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए भी बता दें 6 मिनट में इनको दौड़ना है 1 किलोमीटर। ऊंची कूद की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको हाई जंप करनी है और महिलाओं के लिए 3 फीट। बात करते हैं लंबी कूद के लिए, तो लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट आपको न्यूनतम कूद और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। गोला फेंक में बात करते हैं तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड और न्यूनतम आपकी महिलाओं के लिए 12 पाउंड, जिसमें आपको टोटल श्रेणी की बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए पदों की संख्या इसमें 330 है, महिलाओं के लिए 124 है जो कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षण किए गए हैं। टोटल आप देख सकते हैं जानकारी, इसको वीडियो पॉज करके जान सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, आप ऊंची कूद के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आप जानकारी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये भर्ती, ये आपकी फॉर्म भरा जाएगा 22 अगस्त से, तो आप कल से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट आपकी 25 सितंबर है, यानी आपके पास 1 मंथ की टाइम है। तो आप इस भर्ती को भरना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम अभी है, शुरुआत हो गया है 22 अगस्त से, कल से इसकी फॉर्म भरी जाएगी और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर पूरी डिटेल जानकारी पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं वीडियो यहीं पर स्टॉप करूँगा। टोटल फीस की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूँगा, टोटल जानकारी जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के 700 लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये इसमें फीस है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।